अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत के साथ होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं मकाऊ तोतों की पांच नस्लों के बारे में। पहले हमने आप लोगों को पांच नस्लें बताई थी, वो था पार्ट वन। अब हम पांच नस्लें और बताएंगे, पार्ट टू पूरा करेंगे, यानी मकाऊ तोतों की 10 नस्लें पूरी करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि मैं जब भी अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड करूं उनका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहे। तो करते हैं भाई वीडियो को शुरू और अपने टॉपिक को आगे बढ़ा के ले चलते हैं। नंबर 6, ब्लू थ्राउडेड मकाऊ। ब्लू थ्राउडेड मकाऊ को वेगलर मकाऊ भी कहा जाता है, और ये दुनिया में वस्ती बोलिविया के एक छोटे से इलाके में जंगली तौर पर पाए जाते हैं। पहले मुकामी लोग इनका बहुत ही शिकार किया करते थे। अब इनकी जंगली तादाद बहुत ही कम हो चुकी है, इसलिए इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। इनकी जंगली तादाद में कमी की वजहों में गैरकानून के तौर पर पकड़ के बेचना सबसे बड़ी वजह है। इस तोते को मादुम होने से बचाने के लिए बहुत ही कोशिश की जा रही है, अब इसमें कामयाबी भी हासिल हो रही है। उनके अलावा इनका कुदरती माहौल भी जंगल की कटाई की वजह से मुसलसल कम हुआ है, और इनकी कैप्टिव पॉपुलेशन 1000 से लेकर 1100 तक मुश्तमल हो सकती है। और इनकी जंगली आबादी बढ़ाने के लिए बहुत से कैप्टिव ब्रीडर प्रोग्राम भी काम कर रहे हैं, जिनमें इनको ब्रीडिंग करवा के तोतों को जंगली माहौल में छोड़ा जाता है। ब्लू थ्राउडेड मकाऊ को उर्दू में नीले गले वाला मकाऊ भी कहा जाता है। नंबर 7, ब्लू एंड गोल्ड मकाऊ, या फिर नीला और सुनहरी मकाऊ। ब्लू एंड गोल्ड मकाऊ का ताल्लुक जनूबी अमेरिकन के जंगलात में है। ये एक जनूबी अमेरिकन का बरात होता है। इनका ऊपरी हिस्सा नीला बल्कि नीचे वाला हिस्सा पीले रंग का होता है। इनमें बातें करने की हैरत अंगेज सलाहियत होती है, जो इन्हें बाकी तोतों से मुमताज करती है। ब्लू एंड गोल्ड मकाऊ इंतहा ज़हनी तोते हैं, जो लोगों से बातचीत करते हैं और अपने मालकान से मुख्तलिफ करतब सीखते हैं। ब्लू एंड गोल्ड मकाऊ की जंगली खुराक में बिजो गरीदार मेवे और फूलों का मरकब है। इनकी ताकतवर चूचे इन्हें खेले सख्त खूल वाले गरीदार मेवे को तोड़ने की इजाज़त देती हैं, जिनमें दूसरे जानवर दाखिल नहीं हो पाते। वो गंदे खाने वाले हैं, वो अपने मुनाह से बहुत सा खाना गिराते हैं और दूसरे जानवरों को दावत में शामिल होने के काबिल बनाते हैं। नंबर 8, ब्लू हेडेड मकाओ, या फिर नीले सर वाला मकाओ। ब्लू हेडेड मकाओ मशरकी पेरू, शुमाल मगरबी बोलिविया और दूर मगरबी ब्राज़ील में रहने वाले हैं। उसकी कुल लंबाई तकरीबन 41 सेंटीमीटर से, जो इसे छोटे मकाओ के ग्रुप में रुकन बनाता है, जिसे बहज़ औकात मिनी मकाओ के नाम से जाना जाता है, जिसे 50 सेंटीमीटर या उससे कम लंबाई के साथ मकाओ की कोई भी नस्ल शामिल होती है। ये तोता चट्टानों के सुराखों में ब्रीड करता है। जंगल में ये 2 से 4 ग्रुप में नजर आते हैं। ये तोता बहुत ही आम पाया जाता था, लेकिन 2006 के एक सर्वे के रिपोर्ट के मुताबिक इनकी जंगली आबादी बहुत ही कम हो चुकी है और वाइल्ड में इनकी तादाद 1000 से लेकर 2500 तक रह गई है। इसके बाद इन्हें IUCN ने प्रोटेक्ट का स्टेटस दिया है। नंबर 9, चेस्टनट फ्रेंडेड मकाओ। चेस्टनट फ्रेंडेड मकाओ को सीवियर मकाओ भी कहा जाता है, और ये तोता मिनी मकाओ की एक नस्ल में से एक है, और ये तकरीबन 45 सेंटीमीटर की साइज तक पहुंचता है, जिसमें तकरीबन नसब दम की लंबाई होती है। वो शुमाली जनूबी अमेरिकन के एक बड़े हिस्से में पानामा के जनूब से लेकर अमेज़न याई ब्राज़ील और वस्ती बोलिविया तक पाए जा सकते हैं। जंगली माहौल में ये पेड़ के खोखले तनों में घोंसले बनाते हैं। मादा एक कलच में 2 से 3 सफ़ेद रंग के अंडे देती है। अंडों में से 28 दिनों में बच्चे निकल आते हैं और 70 दिनों में घोंसला छोड़ने के काबिल हो जाते हैं। चेस्टनट फ्रेंडेड मकाओ की खुराक में पौधों के बीज, गोदा और फूल शामिल होते हैं। नंबर 10, रेड फ्रॉन्टेड मकाओ। रेड फ्रॉन्टेड मकाओ को सुर्ख सामने वाला मकाओ भी कहा जाता है। रेड फ्रॉन्टेड मकाओ बोलिविया के एक छोटे से नीम सराई पहाड़ी इलाके का एक मुकामी तोता है। ये एक इंतहाई खतरे से 2-4 पर जाते हैं। इसे कामयाबी के साथ कैद में पाला गया है, अगर आम नहीं तो पालतू जानवरों के तौर पर दस्तयाब है। इसकी खुराक में बीज और फूल शामिल हैं, खास करके कैक्टस का फूल, जो उसके खुश्क रिहायशगाह में गिजायत और नमी दोनों फराहम करता है। बदले में मकाओ के किटी के बेले बीजो को फैलाने के तौर पर काम करते हैं। ये चट्टानों में मौजूद सुराखों में घोंसला बनाते हैं। ये एक मकाओ की वाइल्ड नो है, जो रेन फॉरेस्ट के बजाय एक सराई माहौल में रहना पसंद करती है, जहाँ कैक्टस के पौधे आम पाए जाते हैं। इनमें से आप लोगों को मकाओ तोता कौन सा अच्छा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना, और मकाओ तोता कौन कौन घर में रखना चाहता है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ताकि मैं जब भी अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड करूँ उनका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँचता रहे। अगली मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। हाँ।